नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी ट्रेनर, ईएफटी प्रैक्टिशनर एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। इस दिवाली के मौके पे आज मैं बात करने वाली हूँ गिफ्ट्स के बारे में। गिफ्ट्स का क्या मतलब होता है जो हम दिवाली पे देते हैं, और इतने दिनों पहले से शॉपिंग शुरू हो जाती है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो घर हो या कहीं और हो। लेकिन जो गिफ्ट्स का मेन मकसद था वो तो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि हम इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं गिफ्ट्स को लेके। क्या हम विशेस दें और ब्लेसिंग्स दें, ये कोई बेस्ट गिफ्ट हो सकती है हमारे लिए? क्योंकि हम आज कंपटीशन के ज़माने में लोगों ने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया सब देखते हैं। पहले के ज़माने में विशेस, बधाइयाँ या घर पे बनी मिठाइयाँ दिया जाते थे, जिसमें बहुत ही प्यार, अपनापन, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस हुआ करती थी जो हम दिया करते थे। इतने अपनेपन से इतने दिन पहले घर में मिठाइयाँ बनने लग जाती थी, लेकिन आज हम बाज़ार से लेके आते हैं और वो पैक्ड मिलती है और जाके दे के आते हैं। पर अब मिठाइयाँ खाना भी लोगों ने बंद कर दिया है, तो लोग ड्राई फ्रूट्स लेके जाने लग गए। ड्राई फ्रूट्स में भी अब लोगों को लगता है एक दूसरे में कंपटीशन होता है, उसने हमें ये दिया हमें क्या देना है। कई बार हमारे बजट के बाहर भी चीज़ें हो जाती हैं, और जब बजट के बाहर हो जाती हैं तो कितना मिडिल क्लास फैमिलीज में स्ट्रेस होता है इस चीज़ का। तो क्या हम इस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जो गिफ्ट्स का मकसद है दिवाली पे, एक तो ये था कि हम एक दूसरे के घर मिल के आते थे, लेकिन आज के टाइम में ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि आप कहीं जाते हो तो पूरे स्ट्रेस में आ जाते हो। इट्स अ टास्क, आपको बहुत मेहनत लगती है। तो क्यों ना हम इस कल्चर को बदल दें, इस सिस्टम को बदल दें, और हम ये कहें कि सिर्फ हम ब्लेसिंग्स और विशेस दें। पर्सनली आप मुझे पूछें, आई लव टू गिव गिफ्ट्स, बट मैं सबका अपना अपना है। लेकिन हम ये भी देखते हैं, कई बार हम इसको ट्रांजेक्शन बना लेते हैं, उसने इस दिवाली पर इतने की गिफ्ट दी थी तो मुझे इतने की गिफ्ट देनी है, मुझे ऐसा नहीं करना। या पता पड़ता है कि हमारे गिफ्ट घूम घाम के हमारे पास ही लौट के आ जाती है। तो जो पर्पस है बेसिक गिफ्ट का दिवाली में, जो पॉजिटिविटी आती है, जो हम घर को खाली करते हैं, गंदगी बाहर निकालते हैं, ऐसे ही हमारे दिमाग की जो नेगेटिविटी है गिफ्ट्स को लेके, क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं, सारा पर्पस डिफीट हो जाता है और कहीं ना कहीं हम उसके अंदर नेगेटिव पोर इन कर देते हैं। तो दिवाली का पर्पस, दिवाली में गिफ्ट देने का पर्पस, प्यार, अपनापन, एक मौका जब हम सब मिल सकें। वरना आज के टाइम में, या पहले भी शायद रीति रिवाज इसलिए बनाए गए थे, फेस्टिवल्स इसलिए बनाए गए थे कि एक मौका होता है, कुछ फेस्टिविटी घर में आती है, कुछ रौनक होता है, वरना सब एक रूटीन लाइफ जीते हैं। ये सोचने की बात है कि हमें गिफ्ट्स में क्या करना चाहिए, गिफ्ट्स में कितनी ब्लेसिंग्स, कितनी विशेस, कितनी पॉजिटिविटी डाल के हम दे सकते हैं। अगर हम दिवाली पे पॉजिटिविटी देंगे, विशेस विश करेंगे दिल से, प्यार से, तो इसका मकसद ही बदल जाएगा। और ये मौका है आप एक दूसरे से मिलने का। तो दिवाली को एक ऐसा रिचुअल, ऐसा फेस्टिवल बिल्कुल भी नहीं बनाएं जिसमें हमारे लिए बर्डन बन जाए और स्ट्रेसफुल फेस्टिवल बन जाए। ये त्यौहार है मनाने का, ये त्यौहार है सेलिब्रेट करने का, ये त्यौहार है मिलने जुलने का, जब आप अपने कुछ कपड़े अंदर से बाहर निकालते हैं और तैयार होते हैं सारे लोग और पूजन करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। इसको जितना सरल, जितना अच्छा बना के रखेंगे, उतना ही इस त्यौहार का मज़ा आएगा और लोगों को ये बर्डन भी नहीं होगा। मैं आशा करती हूँ ये कुछ मैं एक मैसेज आपको दे पाई होंगी। इस दिवाली आप इसको ब्लेसिंग्स और विशेस से मनाइए, और अगर गिफ्ट देनी है तो उसमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी का जरूर संचार करिए, जरूर कुछ पॉजिटिव वर्ड से, दिल से अपनी पॉजिटिविटी के साथ दीजिए। देखिए आपके रिश्ते कितने मधुर होते हैं और त्यौहार कितना मज़ेदार हो जाता है। मेरे विचार आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। दिस वॉज सीमा टॉकिंग टू यू। थैंक यू।